हेलो गाइस, कैसे हैं आप? अभी आपने देखा, ये मेरा फैमिली ब्लॉग है। मेरे पापा के दोस्त एक्चुअली सारे आए हुए थे अलवर राजस्थान से। मेरे पिताजी को आर्मी से रिटायर्ड हुए, 27 ईयर्स कंप्लीट हो गए हैं। और 27 साल बाद पिताजी के कुछ दोस्त पिताजी से मिलने के लिए और आगरा घूमने के लिए आए हुए हैं। तो उन्होंने बोला था कि हमें ताजमहल घूमना है, और ये सभी घर पर भी आए हुए थे। तो अभी मैं और पापा, मम्मी एक्चुअली आई नहीं है, वो घर पर ही हैं। तो बाकी पापा, पापा जी के फ्रेंड्स और उनकी वाइफ, उनके साथ अभी हम आए हैं ताजमहल घूमने घूमने और उन्हें ताजमहल घुमाने, क्योंकि हम आगरा में ही रहते हैं। तो हम तो कई बार ताजमहल आ चुके हैं, लेकिन पापा जी के कुछ दोस्त हैं जो फर्स्ट टाइम ताजमहल आए हैं, और मोस्ट ऑफ द देख सकते हो आप सभी सीनियर सिटीज़न हैं, और सभी के बच्चे सेटल्ड हैं। और बाकी ये सभी टूर पर निकले हुए हैं। मेरे पापा जी हैं, पापा जी के दोस्त हैं, सारे आर्मी से ही हैं। ये द गन्नेडियर्स हैं, 15th ऑफ गन्नेडियर्स से रिटायर हैं सभी। आप देख सकते हैं 27 साल बाद मिले हैं सारे दोस्त। ये देखिए आप, मिलने की खुशी ही अलग है। काफ़ी लंबे टाइम बाद सभी मिले हैं, और मैंने तो इन्हें पहली बार ही देखा है, क्योंकि मुझे तो याद भी नहीं है। ये जब पापा जी के साथ रहते थे तो मैं तो काफ़ी छोटा था, तो फर्स्ट टाइम मैं मिल रहा हूँ, तो इनसे बातें हो रही हैं। मुझे बताया तो मैं जानता भी नहीं हुआ। ये देखिए, सभी राजस्थान अलवर से हैं। अभी हम ताजमहल के गेट पर पहुंच गए हैं। ताजमहल में एंट्री एक्चुअली शाम के 5 बजे हैं, तो हमें थोड़ा जल्दी आना पड़ा। एक्चुअली ये थोड़े लेट आए थे, अलवर से सीधा आगरा ड्राइव करके आए हैं सभी। ये देखिए, ये एंट्री गेट है, सिक्योरिटी चेक हो रहा है यहाँ पे। टिकट हमने पहले ही बुक करा दी थी। हम बुक किया एक्चुअली, यहाँ पे हम एज अ गेस्ट जो एंट्री होती है स्टाफ की, उससे एंट्री की है, क्योंकि मेरा दोस्त ताजमहल में है, तो उसके रेफरेंस से मैंने एंट्री ली है यहाँ पर। मैं एज़ उसके फैमिली मेम्बर ही हूँ, तो उसने एज अ पास दे के हमें एंट्री कराई है। अभी हम ताजमहल में एंटर कर गए हैं, और फर्स्ट टाइम मैं अपने पापा जी के साथ ताजमहल आया हूँ। कभी मैंने उनके साथ बहुत कम जगह ही विज़िट की है, क्योंकि उनके साथ बहुत कम ही जाना होता है, जहाँ भी जाना होता है काम के लिए, या फिर जहाँ ज़्यादा अर्जेंट होता है वहाँ जाना होता है। अब तो पापा जी के फ्रेंड हैं, मैं तो जानता नहीं था, तो इस वजह से पापा जी को साथ लेके, और मैं इस टाइम एज अ गाइड काम कर रहा हूँ इनके लिए, क्योंकि जो फर्स्ट टाइम आए हैं, जिन्होंने पहले देख रखा है, उन्होंने क्या पढ़ रखा है पता नहीं मुझे। आप देख सकते हो, ये एंट्री गेट पे ये साइड में कमरे बने हुए हैं, ये सिक्योरिटी के लिए हैं। मतलब पुराने टाइम में अगर मैं बात करूँ, ताजमहल जब बना था 1632 से 1653 तक इसका निर्माण हुआ था कंप्लीट। आप देख सकते हैं, ये जो पीछे जो जितने भी कमरे बने हुए थे, ये सभी सिक्योरिटी गार्ड्स के लिए रहते थे, क्योंकि यहाँ से जब भी कोई चेक इन करेगा तो जिसके उसके लिए सारी सिक्योरिटी इंतजाम रहते थे मुगल काल में। ये देखिए यहाँ पे गार्डन, इधर की साइड में भी एक आलीशान गार्डन है, देख सकते हैं। तो अगर मैं ताजमहल की बात करूँ, ये 17 एकड़ ज़मीन, 17 एकड़ से भी ज़्यादा की ज़मीन में बना हुआ है। और अगर मैं ताजमहल की बात करूं, तो अभी हम ताजमहल के गेट से एंट्री कर रहे हैं। ताजमहल काफ़ी बड़ी जगह में है, देखिए आप। यहाँ भी अगर मैं बात करूं ताजमहल की कंप्लीट रेवेन्यू के बारे में, तो आगरा में जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं, मतलब जितनी भी हमारी पुरानी विरासतें हैं, उन सब में सबसे ज़्यादा जो इनकम देता है वो ताजमहल ही देता है। इसमें यहाँ पर डे जो घूमने वाले पर्यटक हैं, वो 15 से 20 हज़ार आते हैं नॉर्मली, और ये संख्या वीकेंड्स पे बढ़ भी जाती है, क्योंकि आसपास दिल्ली और ऑल ओवर इंडिया से ही आते हैं। और यहाँ पे अगर मैं एंट्री टिकट की बात करूँ, तो केवल आप घूमने जाओगे तो 50 रुपये टिकट है बाहरी बाहर से, लेकिन अगर आप गुम्बद देखना चाहते हो ऊपर, आप जो वाइट स्टोन से जो बना हुआ है उसमें आप एंट्री करोगे, उसके लिए आपको 250 रुपये पे करने पड़ेंगे। ये इंडियंस के लिए रेट है, लेकिन हम मेरा एक्चुअली ब्रदर ही है जो पुरातत्व विभाग में है, तो उसके पास के थ्रू हमें एंट्री मिली है।
हम सारे फैमिली मेम्बर्स को लेके आए हुए हैं, क्योंकि दोस्त फैमिली की तरह ही होते हैं। पापा जी के दोस्त हैं, काफ़ी दिनों बाद मिले हैं, तो उन्हें ताजमहल घुमा रहा हूँ और उनके लिए गाइड का भी काम कर रहा हूँ। देखिए, ये मुख्य गुम्बद है जिससे हम एंट्री करेंगे ताजमहल के लिए। आप देख सकते हैं पुरानी कितनी अच्छी कलाकारी यहाँ कर रखी है, रेड स्टोन पर। और ये आप देख सकते हैं क्या डिज़ाइन बना रखे हैं, वाइट। ये बहुत पुराने टाइम की हैं। देखिए आप, अब हम ताजमहल को यहाँ से निहारेंगे। देख सकते हैं आप कितना अद्भुत नज़ारा है ताजमहल का। ऐसे ही लोग इसके लिए पागल नहीं होते। बोला तो इसे मोहब्बत की निशानी जाता है, लेकिन हिस्ट्री कुछ और ही कहती है। आज मैं आपको थोड़ा सा सच भी बताऊंगा ताजमहल का, ताजमहल का रहस्य भी बताऊंगा। अगर मैं ताजमहल की हाइट की बात करूँ तो ये 264 फीट हाइट पर है। पूरा 264 फीट की हाइट है इसकी, ताजमहल की, आप देखेंगे तो। बाकी इसका देखिए आप डिज़ाइन कितना अद्भुत है। जिस गुंबद से हमने एंट्री की है उसकी डिज़ाइन मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये डिज़ाइन आपको राजस्थानी जितने भी आप महल देखोगे राजस्थान में, वहाँ पर भी मिलती है। और ये जो ताजमहल जो वाइट स्टोन से बना हुआ है, ये अद्भुत है। बाकी जो आप ताजमहल के अंदर रेड स्टोन पर आप जो भी डिज़ाइन देखोगे, वो आपको राजस्थान में भी काफ़ी ज़्यादा मिलती हैं। क्योंकि हिस्ट्री का तो पता नहीं, लेकिन जो आज हम देखते हैं कहीं भी घूमने जाते हैं तो हमें पता चलता है कि सबसे ज़्यादा जो रेड स्टोन पर काम किया गया वो राजस्थान में किया गया, राजस्थान के ही कारीगर थे। अब यहाँ हिस्ट्री में क्या बताया गया कि कहाँ से कारीगर आए थे, क्या आया था। स्टोन बाहर से आ सकता है, लेकिन जो हमारे इंडिया की आर्किटेक्चर थे वो दुनिया के बेस्ट आर्किटेक्चर थे। क्योंकि उन्होंने पूरी दुनिया घूम घूम के कैसे डिज़ाइंस को बनाया जाता है, क्या किया जाता है। सबसे अच्छी आर्किटेक्ट हमारे पास थी, जिसके आज महल पूरी दुनिया बने हुए हैं, और ताजमहल भी उसमें से एक निशानी है। अब बात करते हैं हम ताजमहल की। ताजमहल शाहजहां ने बनवाया था। अब ये बनवाया था या मॉडिफाई कराया था, इसमें विवाद है, ठीक है, ये फिक्स नहीं है। लेकिन हिस्ट्री को अंग्रेज़ों ने और कुछ लोगों ने इतना घुमा दिया कि उसको जस्ट बता दिया कि ये बनवाया गया है। ताजमहल मुमताज़ की याद में शाहजहां ने बनाया था। लेकिन अगर मैं, इसमें भी एक विवाद है, अगर मैं उसके बारे में बात करूं तो 1631 में मुमताज़ की मृत्यु हुई थी। बुरहान जो आगरा से 600 किलोमीटर दूर है, वहाँ पर इनकी कब्र थी 1631 में। 1632 में उस कब्र में से मुमताज़ महल के अवशेषों को निकाल कर 1632 में आगरा लाया गया। और आगरा इनका जो मुख्य महल था, उसकी गुम्बद में इन्हें दफनाया गया। अब इसमें विवाद ये है, जब वो शाहजहाँ को इतनी ही प्रिय थी तो उनको बुरहान में क्यों दफनाया गया, उन्हें आगरा में ही दफनाया जाता। और किसी भी हिस्टोरिकल बुक में ये वर्णन नहीं दे रखा है कि वो उनके ताजमहल, मतलब शाहजहाँ का उनके साथ इतना घनिष्ठ प्रेम था। घनिष्ठ प्रेम होते हुए भी वो बुरहान में क्यों दफनाई गई। अगर बुरहान से उन्हें आगरा लाया गया तो उसके पीछे क्या रहस्य था। इस रहस्य के बारे में अगर हम बात करें, इसमें भी अलग अलग विवाद हैं। कुछ लोग कहते हैं ताजमहल में इतना खजाना छुपाया गया था, उस खजाने को सुरक्षा के लिए इन्होंने एक षड्यंत्र रचा, जिसमें इन्होंने बता दिया कि मेरी पत्नी की कब्र है वहाँ पे, इसलिए वहाँ पे कोई जांच पड़ताल नहीं करेगा या खुदाई नहीं करेगा। क्योंकि मुगल शासन में, ये मुगलों के पांचवें शासक थे शाहजहाँ, इन्होंने जितने भी खजाने थे वो उन्होंने आगरा में छुपा कर रखे हुए थे। कि अगर हम बात करते हैं ये के ताजमहल के निर्माण की, तो ताजमहल के निर्माण को 1200 ईस्वी के आसपास भी ताजमहल के अवशेष पाए जाते हैं। मतलब ताजमहल क्या था उस समय, ये भी नहीं कह सकते, क्योंकि उस समय ताजमहल एक महल तो था, ठीक है। लेकिन 1632 में उसे मॉडिफाई कराया गया। मॉडिफाई करा के उसे मुगल जो शासक थे शाहजहाँ, उन्होंने अपनी तरह से मॉडिफाई कराया। उन्होंने अपनी पूरे जीवन की और अपने पूर्वजों की जितनी भी लूट का सामान था वो सब यहाँ पे छुपा के रखा। इसीलिए औरंगजेब ने भी इनको जेल में बंद कर दिया, क्योंकि वो चाहते थे कि वो सारा खजाना औरंगजेब को मिल जाए। औरंगजेब ने भी अपने सारे भाइयों को मौत के घाट उतार दिया और शासन किया। और शासन करने के बाद अपने जो इनके पिताजी थे उनको भी इन्होंने जेल में डाल दिया, इसी तहखाने से खजाना लेने के लिए। आप देख सकते हैं ये अंदर का वीडियो है, जहाँ पे शाहजहाँ और मुमताज़ महल दोनों की कब्रें हैं। अब ये तो विवाद है कि कब्र हैं इसमें या नहीं, या फिर ये केवल एक षड्यंत्र था। आप देख सकते हैं ये जो स्टोन है, ये पूरे
विश्व में कहीं नहीं पाया जाता। ये जो वाइट स्टोन है, ये आप अभी हम इस समय यहाँ पे आए हुए हैं, मानसून का मौसम है, जुलाई का मंथ है, तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा लग रहा है, लेकिन जब धूप निकलती है तो ये काफ़ी गर्म हो जाता है पूरा वाइट स्टोन। देख सकते हैं आप, ये पूरा पीछे मेहताब बाग है, मेहताब बाग पार्क और यमुना किनारा, जो भी फिल्म शूटिंग वगैरह होती हैं, ताज के फ़ोटो शूट होते हैं, वो मेहताब बाग से ही होते हैं। देखिए आप कितना अद्भुत नज़ारा है यमुना का, पीछे यमुना है। इसमें बताते हैं जो ताजमहल के नीचे बेस में जो लकड़ी लगी हुई है, वो भी नमी से ही ज़्यादा अच्छी रहती है, तो इसलिए यहाँ पे पानी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। ये देखिए आप कितना अच्छा रेड स्टोन और वाइट स्टोन को एक साथ लगाया गया है। ये आप देखिए, ये वाइट स्टोन ये चांदनी रात में भी चमकता है ऐसा बोला जाता है। मैंने कभी विजिट नहीं किया चांदनी रात में, लेकिन जो मैंने औरों से सुना है वही है। ये देखिए साइड में ये रानियों के महल थे, जो भी शाहजहाँ की और रानियाँ थीं। अब इसमें ये भी विवाद है कि शाहजहाँ की इतनी पत्नियाँ होते हुए ही इनकी मुमताज़ जी क्यों फेवरेट थी, लेकिन मुमताज़ के लिए इन्होंने अपना महल में पूरा खजाना छुपाने के लिए उनके नाम का यूज़ किया था, जिसको औरंगजेब ने उनको उनसे खजाना लेने के लिए अपने पिताजी को ही जेल में डाल दिया, अपने सारे भाइयों को मार दिया और सारा खजाना लूटकर अपने हिसाब से मुगल साम्राज्य को चलाया। बाकी इन्होंने क्या किया किया औरंगजेब ने, ये आप हिस्ट्री में पढ़ सकते हैं। लेकिन इसे ताजमहल एक शानदार इमारत है, जिसको विश्व धरोहर में प्रथम स्थान भी मिला था, और ये दुनिया के 7 अजूबों में से एक है, और ये इसका जो कार्य है वो सराहनीय है, जिसने भी बनवाया, जो भी इसकी हिस्ट्री थी, लेकिन ये आज आगरा की शान है। आप देख सकते हैं कितना अद्भुत है, और ये बारिश के मौसम में बादलों के साथ और भी अद्भुत लग रहा है। ठीक है, अभी हमारा एग्ज़िट टाइम है ताजमहल से, ये पूरा हमने 1 घंटे घूमा। ठीक है, 5:30 बजे हमने एंट्री की थी और 6:30-7 तक हम यहाँ से निकल रहे हैं, क्योंकि अब अगर आप घूमने भी आओ यहाँ पे, तो यहाँ पे विंडो 6 बजे ओपन हो जाती है, लेकिन आप 9 बजे से 5 बजे तक यहाँ काफ़ी अच्छे से घूम सकते हो। ठीक है, अभी हम यहाँ से बाहर आ रहे हैं, अभी हमारा सीधा घर पर ही निकलने का टाइम। आज मैंने आपको जितना कुछ भी बताया है, वो सारा कुछ जो हिस्ट्री में रहस्य हैं, मैंने आपको केवल उनके बारे में बताया है, क्योंकि हिस्ट्री राइट और रॉन्ग क्या है, हिस्ट्री हमेशा जो पावरफुल होते हैं वो लिखते हैं, जो पावर में रहेगा वो हिस्ट्री लिखेगा, हिस्ट्री बनाएगा कौन, किसने क्या किया, इससे मतलब नहीं होता, लेकिन जो पावर में था उसने हिस्ट्री अपने हिसाब से लिखवाई। ठीक है, ये मेरा हिस्ट्री के बारे में मानना है, बाकी आपका क्या मानना है आप ज़रूर मुझे कमेंट करें, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। बाकी आप ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट ब्लॉग।